रखोगे, ये दिल बिछाएंगे हम तुम्हारी वफा की दुनिया में, प्यार ही प्यार लुटाएंगे। शान तो आ गया हूँ मैं फिर वही वीडियो लेके, एक अच्छा सा ये है हमारे पास मैकेनिज्म, तो इसको हम आज चलाएंगे और देखेंगे कैसे चलता है, क्या करता है ये। तो देख लीजिएगा चारों तरफ से, इसका हेड अभी नया लगा हुआ है इसमें, यहाँ पर मैंने चेक भी नहीं किया इसको और हेड खोल दिया है। ये देखिए हेड के ऊपर अभी सील लगी हुई है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इस हेड को खोलेंगे, ये देखिए हेड अभी क्लीन रखा मैंने, नया नया हेड लगाया इसमें। तो चलिए आज इसको हम चलाएंगे, मैकेनिज्म की वीडियो बनाएंगे हम लोग और देखेंगे कैसे काम करता है ये। तो ये हमारे पास पैनम का है मैकेनिज्म, तो चलिए इसको पहले पूरा खोल लेंगे, इसके बोल्ट खोलकर इसको ओपन करके देखेंगे कैसा क्या काम करता है। मैंने इसमें हेड अभी नया लगाया क्योंकि हेड इसका पुराना हो गया था, आवाज़ नहीं सही निकाल रहा था, तो इसको मैं खोल लेंगे पूरा से। तो ये है मेरा मैकेनिज्म जो कि काफ़ी पुराना होने के बावजूद भी आज अच्छा दिख रहा है और सही लग रहा है बिल्कुल। ये देखिए कति स्लिम है, और इसको भी थोड़ा सा तार वार लगाने पड़ेंगे, टूट गए हैं सब तार रखे रखे, तो चलिए इसको तार लगा लेते हैं। तो दो तार इसमें निकाल लेंगे हम लोग प्लस माइनस के लिए, तो इसके प्लस माइनस करके तार लगाएंगे सही से बिल्कुल। और एक तार इसका यहाँ पर आपको दे देना है क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड रहता है और बटन भी काम करती है यहाँ पे, तो सही से इसको लगा देना क्योंकि बटन फिर काम नहीं करेगी अगर यहाँ नहीं लगाओगे आप तार। तो चलिए यहाँ भी लगा लेते हैं एक तार, और ये तार बिल्कुल सही से लगाना है आपको क्योंकि इसमें बॉडी में अर्थिंग देनी होती है, नहीं तो कंपन और इसकी हाउजिंग होती है जो बनाने की आवाज़ होती है वो निकलती रहती है, इस वजह से हाउजिंग के लिए एक तार लगाना ज़रूरी होता है। चलिए हम वो भी लगा लेंगे, अर्थिंग के लिए लगाना है बॉडी से क्योंकि अर्थिंग बॉडी की जो है वो बॉडी में हेड से अटैच रहती है, तो इसलिए हेड में कंपन नहीं जाना चाहिए। चलिए लगा देते हैं, तो मैंने यहाँ ग्राउंड वाले पे लगा दिया है, तो ये यहाँ पर लग गया है। चलिए लग गए हैं सारे तार, और देख लीजिएगा ये हमारा कुछ ऐसा है, और इसका यहाँ पर मैंने सर्किट लगा रखा है क्योंकि मेरे पास इसका बाकी सामान तो है नहीं। और ये मेरा बूफर है, तो होम थिएटर जो मैंने लगा उसमें लगा रखा है, इसके साइड स्पीकर लगा रखे ये यहाँ पर, और ये भी लगा रखा है, इसकी ये लाइन आई है इनपुट की, ये जो लाइन है हमारे पास इसमें इसकी इनपुट की। तो चलिए इसको हम अटैच करेंगे इसमें, ये जो हमारा सर्किट लगा रहा है इसमें लगा देंगे क्योंकि सर्किट में लगाएंगे तभी तो आउटपुट जाएगी, इसलिए। और ये रास्ते में मैंने एक वॉल्यूम लगा रखा है क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ से कंट्रोल कर सकें। और ये तार सारे मैंने लगा रखे हैं, ये फ्री है हमारी जो की जो सप्लाई बनाएगी, ये फ्री मैंने लगा रखी है, इसमें IC लगी हुई है, उसको 12 वोल्ट करंट भी दे रखा है यहाँ पर से, ये ट्रांसफार्मर देख लीजिएगा एक बार, इसे मैंने 12 वोल्ट करंट दे रखा है इसको। तो चलिए इसको लगाएंगे लाइट को, इसमें ट्रांसफार्मर से,
तो मैकेनिज्म चलने लगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे इसकी। ये कैसेट हमारे पास है बर्दाश्त की, और ये एक है सैया दिल में आना रे। चलिए एक कैसेट लगाएंगे इसमें, कोई सी आवाज़ देखेंगे कैसी क्या है इसकी। तो मैकेनिज्म चलने लगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे इसकी। कैसेट दूसरी लगा के देखेंगे। ये है बर्दाश्त की कैसेट, तो ये साइड में लगा रहा हूँ। पहला सॉन्ग है इसमें, ये है सिलसिले मुलाकातों के ना तोड़िएगा, आपने सुना होगा नारायण अलका जी की आवाज़ में है। तो चलिए इस कैसेट को लगा के देखेंगे हम, थोड़ा सा बैक कर लेंगे। फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तो आपने देखा गाना चलने लगा है हमारा, तो इधर बगल में लगाएंगे। तो इधर कहे तो गाने नहीं है, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम, सारी दिखी जैसे चल रहा है ये यहाँ पर। तो आपने देखा, तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ पर बोल्ट कैसा होता है इसमें, तो ये देखिए खोल दिया मैंने बोल्ट। देखिए यहाँ पर ऐसा सेटअप दिख रहा है, ये पुली उली वगैरह सही चल रही है बिल्कुल, कति क्लियर काम कर रही है एकदम। और इसका ये पंच रोलर भी सही काम कर रहा है, हेड भी सही काम कर रहा है। तो चलिए हेड लगाएंगे फिर से। तो भाई हम गाने ज़्यादा नहीं बजा सकते, बजे मालूम है आपको कॉपीराइट का प्रॉब्लम रहता है। तो ये देख लीजिए कैसेट ऐसी रहती थी पहले,
वही पुरानी यादें हमारी हैं, आज भी संभाल के रखी हैं हमने। इन यादों को पता नहीं कब तक मैं रखूँगा साथ, जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक इनको संग संग रखूँगा और आप लोगों को ऐसे वीडियो लाते रहूँगा अच्छी अच्छी सोच कर। और दूर दूर मुझे जाना पड़ता है इन वीडियो के लिए, सामान लाने के लिए इनका। ये इसकी जो सेंटर पुली है मैंने मुंबई से खरीदी थी, दिल्ली में इसका हेड मिला, ये 100 रुपये का हेड दिया था मुझे दिल्ली में बड़ी मुश्किल से। और इसका ये रखा, ये मतलब ये मोटर है जो 12 वोल्ट की, ये भी मुझे शायद 130 रुपये का दिया था वहाँ पे मुंबई में, वो सॉरी दिल्ली में। तो मैंने सब सामान इसका लिया, कहीं से कुछ इकट्ठा किया, कहीं से कुछ इकट्ठा किया, तो आज भी इसको संभाल के रखे हैं। और ये पिरी भी मैंने एक मशीन से काटी थी पुरानी, कबाड़े मिल गई थी मुझे, मिलती नहीं है सामान आज भी। तो बस यही रहता है कि कहाँ से वीडियो आपको अच्छा से ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। आपको आपके खुशी के लिए और आपके पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।